बगल में रखे हथेली का ऊपर की ओर रखे हैं। नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश जिला स्तरीय 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर घर आंगन योग 21 जून 2023 आज का दिन आइए यहाँ पर शांति एवं चित्त शांति
आदि न हो जाएं। यह सभी प्रकार के तनाव से मुक्त करता है, शरीर व मस्तिष्क में ऊर्जा प्रदान करता है। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें और बाई करवट लेते हुए धीरे धीरे सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। पीठ सीधी रखें, सामान्य श्वास लेते रहें और अपने शरीर को प्राणायाम सत्र के लिए तैयार करें। अब मैं डॉक्टर राजेश से आग्रह करती हूँ कि प्राणायाम क्या होता है, इस योग सत्र को आगे बढ़ाएं। हथेलियों को दोनों घुटनों पर रख लें, आंखें बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ते हुए कंधे और भुजाओं को ढीला छोड़ दें। अब एक लंबा गहरा सांस लेंगे बंदी और नाक से श्वास बाहर छोड़ें। इस क्रिया को पुनः चार बार दोहराएं। सांस लें, सांस छोड़ दें, पुनः सांस लें और सांस छोड़ दें, फिर एक बार सांस लेंगे और सांस छोड़ दें, सांस लें और सांस छोड़ दें। आंखें खोलकर सुखासन में विश्राम की स्थिति में बैठ जाएं। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपाल यानी माथा, भाती यानी चमक, अर्थात इस प्राणायाम को करने से माथे पर चमक आ जाती है। निरंतर अभ्यास से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से ग्रसित है, गर्भिणी या हाल ही में किसी की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, कृपया वह इस प्राणायाम को ना करें। दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों घुटनों पर रख दें, आंखें बंद कर लें। अब एक बार लंबा गहरा सांस लेकर बलपूर्वक उसे बाहर छोड़ें। 15 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। एक बार फिर लंबा गहरा सांस लेकर बलशाली संकुचन के साथ सांस को बाहर छोड़ें और फिर से 15 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। आंखें बंद, मेरुदंड यानी पीठ सीधी, एक बार फिर लंबा गहरा सांस लेंगे और पेट की मांसपेशियों को बलशाली संकुचन के साथ सांस को बाहर की ओर छोड़ें। निरंतर अभ्यास से समय को बढ़ाया जा सकता है। अब एक लंबा गहरा सांस पुनः लेंगे और आराम से श्वास को छोड़कर सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। इसके उपरांत हम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सामान्यतः एक नासिका से सांस लेना और दूसरी नासिका से सांस को बाहर छोड़ना ही अनुलोम विलोम है। इसमें ज्ञान मुद्रा व नासक मुद्रा का
प्रयोग होता है। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। मेरुदंड यानी पीठ एकदम सीधी, बाएं हाथ से ध्यान मुद्रा बनानी, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को अंगूठे के साथ मिलाएं, बाकी उंगली सीधी रहेगी, फिर उसे बाएं घुटने पर रख दें। दाएं हाथ से नासागर मुद्रा बनाएं, जिसमें पहली दो उंगलियों को हथेली से मिला दें, बाकी दो उंगलियां सीधी। दाई नासिका यानी राइट नोस्ट्रिल को दाएं अंगूठे से बंद कर लें, बाएं नाक से लंबा गहरा सांस लें और बाएं नाक को अनामिका व कनिष्ठिका अर्थात रिंग फिंगर व लिटल फिंगर से बंद करते हुए श्वास को दाएं नाक से बाहर छोड़ें। पुनः दाएं नाक से सांस लेकर बाएं नाक से छोड़ें। इस प्रकार प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण हुआ। तीन बार इस क्रम को और दोहराएंगे, सांस लें व सांस छोड़ दें। इससे एकाग्रता बढ़ती है व तनाव व चिंता का स्तर कम होता है। अब हम शीतली प्राणायाम अर्थात शीतल करना का अभ्यास करेंगे। जिन व्यक्तियों को नाक व कान का कोई रोग हो तो कृपया इसका अभ्यास ना करें। मेरुदंड एकदम सीधा, अपनी जीभ को बाहर निकालें, जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब की आकृति दें, जितना हो सके हवा अपने भीतर खींचे, जीभ को अंदर लेते हुए मुंह बंद कर दें और नाक से धीरे धीरे सांस बाहर निकालें। इस क्रिया को हम तीन बार दोहराएंगे। जीभ को बाहर निकालें, जीभ को मोड़कर श्वास लें और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। इस क्रिया को दो बार और दोहराएंगे। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए यह प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। शीतली प्राणायाम से त्वचा व नेत्र रोग निरोग रहते हैं। पल भर विश्राम करें, आराम महसूस करें, निर्विचार महसूस करें। अब सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस प्राणायाम को करते समय भंवरों के गुंजन जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। जिन्हें नाक व कान का कोई संक्रमण हो कृपया वह इस अभ्यास को ना करें। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए षडमुख मुद्रा बनाई जाती है। सर्वप्रथम हाथों के अंगूठों को कर्ण छिद्र पर रखें। कृपया अपने कर्ण छिद्रों को बंद ना करें। फिर अपनी तर्जनी उंगली को भौहों के कोने पर रखें, मध्यमा को नासा पर, अनामिका को ऊपरी होंठ के ऊपर की ओर एवं कनिष्ठिका उंगली को निचले होंठ के नीचे रखें। पीठ एकदम सीधी, आंखें बंद कर लें। अब अपने कर्ण छिद्रों को पूरी तरह बंद करके लंबा गहरा सांस लेकर गुंजन करते हुए बाहर निकालें। इस क्रिया को पुनः तीन बार दोहराएंगे। इसका अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता व क्रोध को कम करता है। भौंरों की ध्वनि मस्तिष्क एवं नर्वस सिस्टम पर लाभकारी प्रभाव डालती है। यह एकाग्रता
और ध्यान की आरंभिक अवस्था है। बिना आंख खोले हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रख दें, आंखें बंद ही रहेंगी और इसी अवस्था में हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। बिना किसी विशेष प्रयास के ध्यान केवल भ्रूमध्य में केंद्रित करें, अपने मुखमंडल पर मन सी मुस्कान लाएं, अपनी आती जाती श्वास को महसूस करें। पवित्र निर्मल कोमल मन भय क्रोध अवसाद चिंता से मुक्त मन, सकारात्मक भावों और ऊर्जा को महसूस करें। ध्यान हमें सकारात्मकता, एकाग्रता, स्मृति, मनोबल बढ़ाने के साथ साथ हमें आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। इसी अवस्था में मेरे साथ आप सब मन ही मन संकल्प करेंगे, हमें अपने मन को सदा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध हूं। आंखें बंद ही रहने दें, दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें, चेहरे पर रखें, आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए हाथों को गर्दन भाव से होते हुए संपूर्ण शरीर पर स्पर्श करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा को आप ग्रहण कर सकें। आराम से बैठ जाएं, हाथ जोड़कर मेरे साथ शांति पाठ में आप सभी शामिल हों। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका मंगल हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। आप अपनी आंखें खोलकर सामान्य स्थिति में विश्राम करें। अब यह है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग सत्र अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। मेरा आप सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध है कि आप योग का अपने परिवार संग निरंतर योगाभ्यास करें और स्वयं एवं परिवार को स्वस्थ रखें और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपने योग का ये सत्र एंजॉय किया होगा। मैं जिला आयुष अधिकारी की ओर से सर्वप्रथम धन्यवाद करती हूँ हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इतनी सुबह समय निकाला और हमारे इस योग के सत्र में शामिल हुई। मैं धन्यवाद करती हूँ ITI से आए श्री अमर सिंह जी की अगवानी में छात्र जिन्होंने सुबह सुबह यहाँ पहुंचकर हमें अपनी प्रेजेंस से खिताब किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे पूर्व उप निदेशक महोदय श्री तेजस्वी आजाद जी का जो सुबह सुबह यहाँ पर हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। किया योग कैसा फील कर रहे हो?
अच्छा सर, फीलिंग कैसी आ रही है? यार एक पिक तो ले दो आगे से, हैं ये फोटो ले दो एक जल्दी, दूर से लिए दोस्त। कैमरा खराब हो गया सर, कैसे आप? हैं कैसे आप? ठीक हो? आपने नहीं किया जल्दी। फ्रेंड्स आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। अंत तक बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय हिमाचल, भारत माता की जय। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार सर। और हमारे हमारा नाम पूरा बनाया मैंने, धन्यवाद।